अब और मजबूत होंगे भारत नेपाल के संबंध। नेपाल ने भारत के लिए भेजा बड़ा तोहफा, जाने नेपाल का अयोध्या राम मंदिर कनेक्शन। एक बार फिर और मजबूत होंगे नेपाल और भारत के संबंध। वजह है शालिग्राम की वो शिलाएं जो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली हैं। इन्हीं शिलाओं से भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। ये शालिग्राम की शिलाएं नेपाल से ही आ रही हैं। आपको बता दें, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। धार्मिक आस्था में ये बहुत ही पवित्र है, जिसे साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना गया है। शायद यही वजह है कि जहां से ये शालिग्राम शिला ला रहे ट्रक गुजर रहे हैं, वहीं श्रद्धालुओं का तांता लग जा रहा है। नेपाल ने अयोध्या के लिए दो राम शिलाएं भेजी हैं, जिनसे भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियां बनेंगी। माना जा रहा है कि इन मूर्तियों को निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। ये शिलाएं नेपाल के जनकपुर के रास्ते अयोध्या भेजी गई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। ये दोनों शालिग्राम पत्थर नेपाल के जनकपुर स्थित प्रसिद्ध माता जानकी मंदिर की ओर से भेजी गई हैं। इसका कोऑर्डिनेशन खुद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता बिमलेंद्र निधि कर रहे हैं, जो जनकपुर के ही रहने वाले हैं। शालिग्राम पत्थर सिर्फ काली गंडकी नदी के किनारे ही मिलता है, जो कि नेपाल की म्यागदी और मुस्तांग जिले से होकर गुजरती है। निधि के मुताबिक काली गंडकी नदी में पाए जाने वाले ये पत्थर प्रसिद्ध हैं और दुनिया में बेशकीमती हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि ये पत्थर भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। इसलिए ये माना गया है कि काली गंडकी नदी से पत्थर अगर उपलब्ध हो सकता है, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में रामलीला की मूर्ति के लिए इसी से बनाना अच्छा रहेगा। उनके मुताबिक आखिरकार इस कार्य के लिए दो पत्थर फाइनल किए गए। एक का वजन 18 टन और दूसरे का 16 टन है। ये दोनों शिलाएं सड़क मार्ग से 1 फरवरी तक अयोध्या पहुंचने की संभावनाएं हैं। ये दोनों शिलाएं बिहार के मधुबनी जिले के पिपरौना गिरजा स्थान होते हुए भेजी गई हैं, जिसका अपना धार्मिक महत्व है। ये मुजफ्फरपुर और गोरखपुर होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि बाद में जानकी मंदिर से धनुष भी अयोध्या भेजा जाएगा। स्टोन इन द काली गंडकी रिवर इज वेल नोन एंड वेरी प्रेशियस इन द वर्ल्ड। इट्स काइंड ऑफ इट इज सेड इट इज एक्सेप्टेड दैट दिस स्टोन इज द सिंबल ऑफ भगवान विष्णु। राम इज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। दैट इज वाई स्टोन फ्रॉम द गंडकी रिवर इज इफ अवेलेबल इट विल बी वेरी गुड टू मेक रामलाज मूर्ति इन अयोध्या फॉर द राम जन्मभूमि टेम्पल। भगवान राम और माँ सीता की मूर्तियां बनने के लिए शालिग्राम पत्थर सड़क मार्ग से अयोध्या जा रहा है। इस बात की खबर फैलते ही रास्ते भर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। जैसे ही लोगों की नजर इन पवित्र पत्थरों पर पड़ी, वो लोग इसका स्पर्श करके धन्य हो जाना चाहते हैं। महिलाएं पूरे रास्ते में इनकी पूजा अर्चना करती दिखाई दी। ये सिलसिला नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे से शुरू हुआ और पूरे रास्ते में देखा जा रहा है। पूर्व नेपाली उप प्रधानमंत्री ने इन पवित्र शिलाओं को अयोध्या भेजे जाने के बारे में आगे बताया है कि मैं जानकी मंदिर के महंत और मेरे सहयोगी राम तपेश्वर दास के साथ अयोध्या गया था। हमारी ट्रस्ट की अधिकारियों और अयोध्या के संतों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि नेपाल की काली गंडकी नदी में पत्थर उपलब्ध होने पर उसी से रामलीला की मूर्ति बनाना अच्छा रहेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने ही इन शिलाओं को अयोध्या भेजने की मंजूरी दी थी। सनातन धर्म में शालिग्राम पत्थर बहुत ही पवित्र है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर पूजा करने की परंपरा रही है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शालिग्राम है, वहां माता लक्ष्मी का भी वास होता है। धार्मिक पुस्तकों में भी भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का प्रसंग आया है। कहा जाता है कि जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, वो माता पार्वती से विवाह करना चाहता था। एक दिन उसने कैलाश पर्वत पर ही आक्रमण कर दिया। उसकी पत्नी वृंदा को लगा कि मेरे पति की जान खतरे में पड़ सकती है। पति को देवताओं के प्रकोप से बचाने के लिए उसने कठिन तप ठान लिया। देवताओं को लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। तब भगवान विष्णु जलंधर का स्वरूप लेकर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। पति को देखते हुए उसने तप तोड़ दिया, लेकिन जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने अपने शाप से भगवान विष्णु को शिला में परिवर्तित कर दिया। लेकिन देवताओं के अनुरोध पर उसने भगवान विष्णु को तो शाप से मुक्त कर दिया, लेकिन खुद अग्नि में भस्म हो गई। बाद में उसी भस्म से माता तुलसी ने जन्म लिया, जिनका विवाह भगवान शालिग्राम से हुआ।
इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।